अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शीबा। आप देख रहे हैं शीबा रियाज ब्लॉग। आई होप आप खैरियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। अभी मैं यहाँ पर जो है सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट की। तो पहले मैं यहाँ पर ओट्स की खीर बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही सब भागम भाग होता है, जल्दी जल्दी रहती है। तो फिर पहले मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ ओट्स की खीर और चाय, फिर मैं अपने बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। यहाँ पर मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया है। मैं विंडो से एक बार ज़रूर देखती हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ से माशाल्लाह नीचे का सीन बहुत ही खूबसूरत होता है, काफ़ी ग्रीनरी होती है। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट और लंच बना रही हूँ दोनों बच्चों के लिए। तो मैं ब्रेकफास्ट में मैं समोसे बना रही हूँ और लंच में फ्राइड राइस, क्योंकि मदिया बहुत ज़्यादा मतलब वैसी चीज़ें नहीं खाती, बस चुनिंदा चीज़ें होती हैं जो वो खाती है। तो फिर मैं यहाँ पर जो समोसे बना रही हूँ वो मैदा नहीं ले रही हूँ, मैं गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। हेल्दी बनाने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। यहाँ पर मैं स्कूल के लिए हानिया को उठा रही हूँ, क्योंकि बहुत नखरा करती है सुबह उठने में, स्कूल जाने में 10 से 15 मिनट लग जाता है उसको गोद में लेके प्यार करने में, दुलार करने में, तब जाके वो रेडी होती है। यहाँ पर मैं फ्राइड राइस के लिए सब्जियाँ फ्राई कर रही हूँ, बहुत आसान सी सिंपल सी मेरी रेसिपी होती है। चावल मैं रात को ही बॉईल करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत कम होता है, सुबह 8:30 बजे बच्चे हमारे निकल जाते हैं घर से। तो मैं तकरीबन बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैं रात को ही रेडी करके रख देती हूँ, तो सुबह में फिर आसानी रहती है। यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, अच्छे से पैक करके दे दूँ ताकि थोड़ी देर तक गरम बना रहे। गरम क्या, गरम तो रहता नहीं है, तो ब्रेक होते हैं नदिया के लॉन्ग एंड शॉर्ट।
फिर भी कोशिश ये करती हूँ थोड़ा तो फ्रेशनेस रहे ताकि वो खा ले। और स्टील के टिफ़िन इतने कॉस्ट में इतने महंगे हैं, कितना मैंने ट्राई किया कि मैं स्टील का टिफ़िन दूँ लेकिन बजट में हो ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। फिर मैंने एयर टाइट टिफ़िन ले लिया ताकि बच्चों को आसानी रहे, मतलब आसानी क्या, खाना थोड़ा सा फ्रेश रहता है बस। यहाँ मेरा नेक्स्ट डे है, दूसरे दिन का मेरा ये वीडियो है, तो फिर मैं दूसरे दिन का ये खाना वगैरह रेडी कर रही हूँ। बच्चे पैकेज में खेल रहे हैं, तो गाइस मैं स्टोरी बन जा रही है द मैजिक फेयरी ट्री। थोड़ा सा यहाँ पर मेरा संडे का व्लॉग भी है क्योंकि शूट भी नहीं कर पाती हूँ, मध्या का इतना लेट एडमिशन हुआ था कि मोबाइल जो है उसके होमवर्क करने में ही रहता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये क्लब हाउस का वीडियो ले लिया था, भाई के मेरे बच्चे आए हुए थे मैं उनको लेकर गई थी क्लब हाउस, फिर उसका मैंने थोड़ा सा क्लिप, एक दो क्लिप मैंने ऐसे करके ले लिया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने आसपास सफाई रखें। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने की। अल्लाह हाफिज़। बच्चों को 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी होती है स्कूल में, तो वो खूब इंजॉय करते हैं खेल।